नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पत्र बिहार सरकार ने जो है कि मुझे भेजने का काम किया है। तो दोस्तों, सारा खबर आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि हम बिहार में संविदा पर नियोजित कर्मियों की आवाज सरकार तक जो है कि चैनल के माध्यम से मौखिक रूप से और लिखित रूप में जो है कि पत्राचार के माध्यम से करते रहते हैं। बिहार में जिन संविदा पर नियोजित कर्मियों की मांग हमने पिछले दिनों लिखित रूप में बिहार सरकार से किया था, उनमें जो है कि बिहार के शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत कार्यपालक सहायक, बिजली विभाग मानव बल, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक उर्मिला के प्यून, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्यून एवं तमाम संविदा कर्मी, कस्तूरबा वाले जेल में कार्यरत चालक बल, बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, बेल्ट्रॉन एवं उर्मिला के सभी प्रकार के कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा पास सांख्यिकी स्वयं सेवक जो है कि न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, जल बोर्ड के संविदा कर्मी, मोटर वाहन चालक, विकास मित्र, नल जल अनुरक्षक, आईटी अनुदेशक, बीडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर और जो है कि एसएलडब्ल्यू स्वच्छता पर्यवेक्षक, काउंसलर, सहायक पुलिस जवान, नए व पुराने वार्ड सचिव, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, बीएएम, एनएचएम, केटीएस, एसटीएस, बीएमएनई लैब टेक्नीशियन, उन्नयन बिहार नाइट गार्ड और जो है कि बिहार स्वास्थ्य परिवार नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट, जीविका कैडर, ग्राम रक्षा दल के तमाम लोग और जो है कि आपको बताते चले संविदा पर कार्यरत एएनएम और कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्रामीण कार्य विभाग के ड्राइवर, आरटीपीएस के संविदा कर्मी, आईटी सहायक, एनएचएम नर्स ए ग्रेड, ई रिक्शा ड्राइवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक एंड साइंस कॉलेज, लेखापाल, आईटी सहायक, पंचायती राज विभाग जो कि चार पंचायतों में एक पंचायत पर नियुक्त है और हटाए गए शिक्षा प्रेरक, इन सभी के जो है कि अलग अलग मांगों को कॉलमबद्ध कर, जिनकी जो मांगे हैं उनके नाम के सामने अंकित कर और जो है कि आवेदन पत्र तैयार कर हमने बिहार सरकार के तमाम विभागों, जिनमें जो है कि मुख्य सचिव के यहाँ, बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पंचायती राज विभाग, समान प्रशासन विभाग, यहाँ तक कि बिहार के तमाम विभागों को हमने जो है कि पत्र भेजकर संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन तुरंत वृद्धि करने का और कार्रवाई करने का अनुरोध और आग्रह करते हुए पत्र प्रेषित किया था। पत्रों के प्रेषित करने के उपरांत जब कार्रवाई में धीमी गति पाई गई, कार्रवाई धीमा हो गया, कोई उत्तर या प्रति उत्तर नहीं आया, तब हमने जो है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दायर कर समस्त कार्यवाहियों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु बिहार सरकार से अनुरोध किया था। बिहार सरकार देर से ही सही लेकिन संज्ञान करती है। आज बिहार सरकार का जो पत्र मुझको प्राप्त हुआ है वह इसी संदर्भ में है। बिहार सरकार ने पत्र भेजकर मुझे जो सूचनाएं दी है, मुझको जो बातें कही है, वह बहुत जल्द हम आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। आप स्वयं देख पाइएगा कि बिहार सरकार क्या कह रही है तमाम आवेदन पत्रों का, जिनमें जो है कि आपको बताते चले, बिजली विभाग, मानव बल, बेल्ट्रॉन उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायतों में कार्यरत तमाम तरह के कर्मी और जितने संविदा कर्मियों का हमने, किसान सलाहकार सहित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, तमाम लोगों का आवेदन पत्र हमने भेजा है और उस संदर्भ में जो है कि हमने पूछा है और बिहार सरकार ने क्या कहा है कार्रवाई के संबंध में, वह आपको हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम आपको बिहार सरकार का वह पत्र भी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्र है, पत्र संख्या 12 CRTI 954/23/1568/15/12/2023 16/12/2023 पर शाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी सेवा में श्री रंजीत कुमार विलेज पोस्ट दिया हुआ है और जो है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का उत्तर देने के संबंध में
उपयुक्त विषय आपके आवेदन पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 4/12/2023 जो कि इस विभाग को दिनांक 5/12/2023 को प्राप्त हुआ है द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर निम्न रूपेण है। आपके आवेदन पत्र क से मांगी गई सूचना के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मुख्यमंत्री बिहार को समर्पित सभी आवेदन पत्र मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एवं अनुशंसित होकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त हुआ है एवं वेतन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू किया जा चुका है। उत्तर स्पष्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि आपके द्वारा प्रपत्र क से मांगी गई सूचना के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय बिहार को समर्पित सभी आवेदन पत्र मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अनुशंसित होकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त हुआ है। मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया शुरू किया जा चुका है। अतः उक्त के आलोक में संदर्भित आवेदन पत्र पर कार्रवाई किया जा रहा है। आपके द्वारा समर्पित सूची में शामिल सभी आउटसोर्स कर्मी संविदा कर्मी का मानदेय वृद्धि प्रक्रियाधीन है, जो पूरा होते ही मानदेय वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। उत्तर स्पष्ट है। बिहार सरकार ने जवाब दिया है। बिहार सरकार का कहना है कि आपके द्वारा जितने भी आवेदन पत्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को सौंपे गए थे वह सारा जो है कि अनुशंसा और हस्ताक्षर होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिसमें जो है कि प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया शुरू है और प्रक्रिया समाप्त होते ही मानदेय वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है कि आपको जानकारी के लिए बहुत ही जो है कि अच्छी खबर, खुशखबरी इसको कह सकते हैं कि मेरे आवेदन पत्रों पर बिहार सरकार ने जो है कि जो जवाब दिया है। अजय कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार विभाग पटना, उनके द्वारा जो है कि पत्र का जवाब देते हुए यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि हमने जितने भी आवेदन पत्र बिहार सरकार को भेजे हैं उस पर कार्रवाई हो चुका है और उसको जो है कि अनुशंसा करके मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में भेजा गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। हमने आउटसोर्स कर्मी और जो है कि संविदा कर्मी या वर्गीकृत कर्मी के वेतन वृद्धि के संबंध में सीधी सूचना की मांग की थी। हमने लिखा था कि हमने समय समय पर बिहार सरकार को अपने दिए गए दिनांक कितना के आवेदन पत्रों के द्वारा बिहार सरकार से जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मी आउटसोर्स कर्मी के वेतन वृद्धि हेतु मांग पत्र सौंपा है, जिसके संबंध में बिहार सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई हुई है इसकी समय की सूचना हमको दे। साथ ही हमने जो है कि सूची समर्पित किया था संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मियों का, जिसके आलोक में बिहार सरकार का यह पत्र मुझको जो है कि प्राप्त हुआ है, जिसमें स्थिति स्पष्ट है, जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम जो है कि अग्रसारित करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि का कार्य प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूरा होते ही वेतन वृद्धि शुरू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी और आपके मन में व्याप्त संशय समाप्त हो गया होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो बात करते हैं उस पर कार्रवाई भी करने का काम करते हैं, थोथी दलील देने का काम नहीं करते हैं। बिहार सरकार से कदम दर कदम और जो है कि नज़र में नज़र मिलाकर हर एक कानून के दायरे में रहकर तमाम तरह की सूचनाओं की मांग करके बिहार सरकार को पत्र जारी करने के लिए विवश किया जाता है और बिहार सरकार कह रही है कि तमाम आउटसोर्स कर्मी संविदा कर्मी का जो है कि वेतन वृद्धि प्रक्रियाधीन है और जल्द ही जो है कि यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही तमाम आउटसोर्स कर्मी वर्गीकृत कर्मी और संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि होना सुनिश्चित हो जाएगा। इस पत्र से स्थिति स्पष्ट है। अब इसमें कहने सुनने की जो है कि कोई बात ही नहीं रह गई। बिहार सरकार बिहार के तमाम संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मियों का वेतन वृद्धि करने जा रही है, जैसा कि इस पत्र से स्पष्ट हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय